दोस्तों, क्या हाल हैं? कैसे मिजाज हैं? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आप सब दोस्तों को मसूद गुंदर का सलाम पहुँचे। दोस्तों, हमारी आज की जो वीडियो है ये हमने 14 जनवरी 2024 को बनाई थी और ये हमने खुंजराब पास से लेके इस्लामाबाद तक बनाई थी। और ये वीडियो हमने अपनी गाड़ी टोयोटा PJ40 नेवल्स लव की छत पे लगे हुए गारमेंट पर अल्ट्रा कैमरे की मदद से बनाई है। और दोस्तों, ये एक एक इंच की खुंजराब पास जो है वो बॉर्डर है, पाकिस्तान और चाइना को मिलाता है और 4693 मीटर जो है वो सतह समंदर से पुला। ये दुनिया का बुलंद तरीन पेव्ड यानी जो बना हुआ इसमें सड़क है वो बॉर्डर क्रॉसिंग है। और चूँकि बहुत बुलंदी पर है तो यहाँ ऑक्सीजन की भी कमी होती है और सर्दियों में जो टेम्परेचर है वो -30 तक जो है वो यहाँ पे गिर जाता है। गर्मियों में भी जब यहाँ पे बारिश नहीं होती, यहाँ पे उमूमन जो है वो बर्फ़बारी ही होती है। तो गर्मियों में भी जब आप जाएँ यहाँ पे खुंजराब पास पे अक्सर बेशतर जो है वो लाइव स्नोफॉल देखने को मिलती है। खुंजराब पास दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, पाकिस्तान को चीन के साथ मिलाता है और ये सड़क जो है ये 745 किलोमीटर है इस्लामाबाद से। और इसकी तामीर कराकरम हाईवे की तामीर जो है वो 1962 में शुरू हुई थी और 1978 में ये कम्प्लीट हुआ। जब खुंजराब पास से हम पाकिस्तान की तरफ आते हैं तो जो पहला शहर आता है वो सोस्त। इस सड़क को बनाते हुए 810 पाकिस्तानी और 200 चीनी बनकर गया शहीद। और ये दुनिया के कई बुलंद पहाड़ों पहाड़ी सिलसिलों को टच करते हुए कराकरम हाईवे जो है वो जाता है हिमालया, हिंदुकश और कराकरम। रास्ते में कई बड़े बड़े शहर आते हैं, जैसे कि जब हम खुंजराब पास से आएंगे तो सोस्त आएगा, सोस्त के बाद फिर पासू आएगा, पासू से आगे फिर जो है वो वलियाबाद, करीमाबाद और उसके बाद गिलगत, जगलोट, रायकोट, चिल्लास, दासू, पटन, निशाम और फिर आगे थाकोट। और थाकोट से जब आप मोटरवे पे चढ़ जाएंगे फिर आप आगे इस्लामाबाद घूम सकते हैं, रास्ते में अहमदाबाद, मानसहरा भी घूम सकते हैं। तो खुंजराब पास पे दुनिया की बुलंद तरीन ATM मशीन भी है जो कि नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इंस्टॉल की है और वो वर्किंग मशीन है। गर्मियों में आप उससे पैसा भी निकाल सकते हैं। जो नॉर्दर्न एरियाज़ में हमारी टेलीकॉम की कंपनी है एसकॉम, उसने खुंजराब पास तक 4G सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड की हुई। तो जब आप गिलगित बल्तिस्तान में जाएं तो कोशिश करें एसकॉम की सिम ले लें, उस पर आपको जगह जगह पे 4G की सर्विसेज भी मिल सकती है। ये जो दोस्तों कराकरम हाईवे है इसको दुनिया का 8वां अजूबा भी कहा जाता है। और जब आप इस पर सफ़र करते हैं तो महसूस होता है कि वाकई ही ये 8वां अजूबा भी है। इस कराकरम हाईवे में जब आप खुंजराब से वापस आते हैं तो आपको कई बुलंद तरीन पहाड़ियाँ देखने को मिलती हैं, उनके व्यू पॉइंट्स हैं। जैसे मुंजा में आपको राका पोशी व्यू पॉइंट मिलता है, इसी तरह मुंजा में पासू से आप पासू ग्लेशियर का नज़ारा भी कर सकते हैं। और इसी तरह जब आप आगे आते हैं तो गिलगत के पास जगलोट है, वहाँ से आप नागा पर्वत का नज़ारा भी कर सकते हैं। और जगलोट ही ऐसी जगह है जहाँ पे दरियाए सिंध जो है वो कराकरम हाईवे के साथ हो जाता है और वहाँ पे दरियाए गिलगत और दरियाए सिंध का जो है वो मिलाप होता है। और जगलोट ही वो जगह है जहाँ पे दुनिया के 3 बुलंद तरीन पहाड़ी सिलसिले कराकरम, हिंदुकश और हिमालया आपको मिलते नज़र आते हैं और आप देख सकते हैं। ये कराकरम हाईवे खुंजराब
خنجراب پاس سے جب پاکستان کی طرف آتا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ خنجراب نالا جو خنجراب دریا کہہ لیں جو وہاں سے شروع ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ چلتا ہے جو وادیات میں شامل ہو جاتا ہے وہ دریائے حمزہ آگے آگے پھر دریائے گلگت میں شامل ہو جاتا ہے اور جنگلور کے مقام پہ دریائے گلگت جو ہے وہ شامل ہو جاتا ہے دریائے سندھ میں اور پھر یہ دریائے سندھ مائٹی انڈس جس کو کہا جاتا ہے یہ کراکرم ہائی وے کے ساتھ ساتھ چلتا ہے تھاکو اور سارا جو یہ سفر ہے یہ پھر دریائے سندھ کے ساتھ ساتھ دوستو یہ چونکہ کراکرم ہائی وے یہ سارا جو ہے وہ پہاڑوں کے اندر ہے اس لیے یہاں پہ گاڑی بہت احتیاط سے چلانی چاہیے اور نیشنل ہائی وے اتھارٹی اس کے اوپر 40 کلومیٹر کے لیے ریکمینڈ ہے کوشش کرنی چاہیے کہ جو ہے وہ 40 کلومیٹر کی جو اسپیڈ لمٹ ہے اس کو فالو کریں کیونکہ ٹرنز بہت ہے موڑ بہت ہے اور دریا بری سائڈ پہ کوئی حفاظتی وہ بھی نہیں لگے ہوئے موسٹ آف جگہ پہ کہ اگر آپ کے ساتھ کچھ ہو تو آپ بچاؤ کر سکیں اپنی لین میں رہ کے چلانا چاہیے اور جو اسپیڈ ہے جو نیشنل ہائی وے اتھارٹی نے مخصوص کی ہوئی ہے وہ نشان دے کے اس کو فالو کریں تاکہ حادثات نہ ہوں ورنہ اس روڈ پہ حادثات بہت ہوتے ہیں اور اس کی وجہ بھی یہی ہوتی ہے کہ اسپیڈ کر رہے ہوتے ہیں اور گاڑی پھر بھی ہم آپ کے گھر ہوتے ہیں تو یہ سفر چونکہ ہم نے سردیوں میں کیا تھا تو جگہ جگہ پہ آپ کو برف نظر آئے گی جگہ جگہ پہ آپ کو جمے ہوئے آبشار نظر آئیں گے جگہ جگہ پہ آپ کو جمے ہوئے دریا نظر آئیں گے ہمارے جو ابتدائی کچھ حصے ہیں خنجراب پاس سے ہماری واپسی دوستو ہماری آج کی ویڈیو ہمارے کراکرم ہائی وے پہ خنجراب پاس سے اسلام آباد تک کے سفر کا تیسرا حصہ ہے اور اس سفر کے اختتام میں ہم لوگ اس حصے کے اختتام میں ہم لوگ دی چیک پوسٹ سے آگے بسگر جانے والے راستے پہ راستے پر جاتے ہیں سوس شہر کو